देख ली, बट 75 का जो जो फिफ्थ एडिशन है, आज 21 दिसंबर को, आज विंटर सॉल्स्टिस भी है, सबसे छोटा दिन है। और इसमें हम ये जो अभी आपने देखा, सुबह से हम लोगों ने देखा जो कम्युनिटी का जो फीडबैक, उनकी जो सुझाव कि जो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम उनके लिए क्या उपयोग लाया है और क्या करने का जरूरत है, और उसी में जो हमारा जो जो सोसाइटल चेंज मेकर्स, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं, कि इनको इनको जो महत्वपूर्ण भूमिका जो ये आगे ले जाए, कैसे ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आगे कैसे ले जाए, और जो एक लोगों की जो जो प्रत्साह हो उसको कैसे कम्युनिटी के अंदर लिया जाए, और यही जो कम्युनिटी जो चेंज मेकर्स का हमने देखा है। अभी जो हमारे जो तीसरा सेशन है, इसमें हम जस्ट अ मिनट, आई थिंक व्हाई दिस वन, एक मिनट, क्यों हो रहा है? हेलो। तो देयर इज अ जस्ट अ मिनट, ये क्यों ये हो? हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं अभी? आप ओके ओके, साउंड इज ओके, नो प्रॉब्लम। नो, इट्स ओके, बिकॉज़ आई एम हियरिंग इको। ओके, सो इस ये हम अभी जो थर्ड सेशन जो कम्युनिटी की फीडबैक और हमारे जो सोशल चेंज मेकर्स की जो 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 एक्सपीरियंस, ये सुनने के बाद जो हमारे लोकल इनोवेशंस और जो स्थानीय नवाचार, इसको कैसे हम स्ट्रेंदन करें और इसको कैसे हम नार्चर करें, ये सोच विचार करने के लिए ये जो राउंड टेबल, हमारे आखिरी राउंड टेबल है, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है जो SNT इंस्टीट्यूशंस और R&D इंस्टीट्यूशंस और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस के साइड से, जो कि हमारे CSIR के साइड से हमारे डॉक्टर पराग एन सोलंकी है। उन्होंने, आपने देखा है कैसे इन्होंने जो कम्युनिटी के साथ मिलके जो काम कर रहा है पराग जी, जो प्रजापति कम्युनिटी ग्रुप को कैसे कैपेसिटी बिल्ड किया, खाली कैपेसिटी बिल्ड भी नहीं किया है, उनकी जो जिंदगी में कैसे सुधार जो लाया है, उन्हें सुधार जो लाया है। और हमारे साथ जो एकेडेमिया या तो जो सिविल सोसाइटी की जो रिप्रेजेंटेटिव स्वामी भविष्यानंद जी है, जो कि आपने अभी जो बालिया बेदिया जी को जो सुना है, और उससे पहले जो मधु उत्पादक स्वावलंबी सहकारिता समिति के बाद ऊपर जो सुना है, तो ये इन लोगों की जो जो विचार है। डॉक्टर अगस्त सूटिंग है जो कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है, और डॉक्टर और मिस्टर कैम्फर्ट सांगमा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक्सचेंज में करें। लेकिन पहले हम सुनना चाहेंगे एक जो पद्मश्री लक्ष्मी बरुआ जी से, लक्ष्मी बरुआ जी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को काम किया है, उसके लिए 2021 साल का पद्मश्री घोषित हुई है। एंड शी इज द फाउंडर ऑफ कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर वुमेन जोरहाट असम। मैडम, ये सेशंस भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे हमारे जो ग्रास रूट इनोवेशन सिस्टम है और जो जो फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम है, इन दोनों को कैसे इकट्ठा काम करने की जरूरत है, और किया क्या एक मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं, और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है जो महिला सशक्तिकरण को, और ये थ्रू दी यू नो दी बैंकिंग सिस्टम्स, तो उसके ऊपर आपके विचार हम सुनना चाहेंगे कि कैसे जो लोकल इनोवेशंस और दी स्थानीय नवाचार और जो जो फॉर्मल इनोवेशंस, ये दोनों सिस्टम्स को कैसे हम इकट्ठे लेके हमारे जो आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे हम काम कर सके। मैडम बर्मा, प्लीज।
मैडम बरुआ, लक्ष्मी बरुआ जी, नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्ते मैं जोरहाटर पुरा कोई लक्ष्मी बरुआ आमार कर्णलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जोरहाट आपने जो काम किया है जो महिलाओं के साथ, और आपने देखा कि उसमें कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो हमारे जो फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम्स का कोई लिंकेज है क्या? किंकिनी जी, क्या कुड यू प्लीज हेल्प मी इन ट्रांसलेटिंग दिस इनटू ओहमिया? लक्ष्मी मैम नमस्कार, আপনি বুঝি পাইছে না ডক্টর দত্তাই কইছে? নমস্কার, আপনি বুঝি পাইছে না যেটা ডক্টর দত্তাই কইছে যে আমি এটা বিচারিছো জানিব যে কেনেকে আপনি এখন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ব্যাংকিং সিস্টেম করিলে মহিলা এম্পাওয়ারমেন্টের কারণে, সেইটো কি প্রসেস আর কি ধরনের ইনোভেশনের দরকার আছে যেটা আমি লিঙ্ক করিম লোকাল ইনোভেশন আর ফর্মাল ইনোভেশন সিস্টেমের ভিতরতে কেনেকে আমি হেতু কি লিংক এস্টাবলিশ করি হেতু আমি জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা। হয়, বেংকটো আমি কেনেকৈ কৰিলো মানে আমাৰ এটা আমি সদায় দেখি আহিছো যে মহিলাসকলে গৈ বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰৰ আগত সেইটো অৱস্থা বহুতেই বেয়া আছিলে। সেইখিনি সময়ত 1990 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে, আৰু এইটো 1998 চনত আমি পারমিশন পাইছিলো, বেংকটো রেজিস্টার হল। তারপর 2000ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে আমাক লাইসেন্স দিলে ব্যাংকিং ট্রানজেকশনের কারণে, কমার্শিয়াল ব্যাংকিংর কারণে। আর এইটো যেহেতু একমাত্র মহিলার কারণে করা ব্যাংক, সে কারণে ইয়াত কিছুমান আমার লিমিটেশন আছে, গতিকে এই ব্যাংকটোৰ সুবিধা অকল মহিলাইহে ল'ব পাৰে, মানে লোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অংশীদাৰৰ শ্বেয়াৰ কেপিটেলৰ ক্ষেত্ৰত। শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ একমাত্ৰ মহিলাইহে হ'ব পাৰে, আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা লোন দিয়া হয় সেইখিনি মহিলাকহে দিয়া হয়, গতিকে সেইটো এটা আমাৰ বেংকৰ বিশেষত্ব। আৰু যিহেতু এইটো একেবাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণী মহিলাসকলৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে, গতিকে এই বেংকটোৱে বৰ্তমান আমাৰ 3খন জিলা যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ এই 3খন জিলালৈ ইয়াৰ আমাৰ এৰিয়া অফ অপাৰেশ্যনটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান এই বেংকৰ 4টা শাখা, যোগেদি আমার প্রায় 12,000-এর উপর আমার শেয়ার হোল্ডার আছে, আর 45,000-এর উপর আমার কাস্টমার আছে, গ্রাহক আছে। ট্রান্সলেট করে দিও ম্যাম, আমি অল্প হিন্দি আর ইংলিশে কই দিও। স্যার, ম্যাম ইজ সেইং দ্যাট, লক্ষ্মী বরুয়া ইজ ম্যাম ইজ সেইং দ্যাট she started, she got motivated by looking at these women, the weaker section women who were financially very poor and they were deprived. They had a lot of ideas but they could not proceed because of their financial burden and there were no support. So she started, she had this idea of having a bank only for women at the for the economically low, you know, lower stretch of the society. She applied for in 1990 for a bank. In 1998, it took 8 years to get the approval and the process of having a bank which is only for women. It has to be operated by women and it has to have all the stakeholders and the account holders have to be women. So this is, she could bring it. Now she's saying that Reserve Bank of India actually intervened and through that this process could be expedited and she could form this bank, cooperative bank. Kanaklata Bank is the name, which she started in Jorhat, which is in the Upper Assam. Just I would like to add here is that Jorhat is actually very culturally, Assam is culturally, it's a center and also for tea.
and now she is saying that it is also there in Kolaghat and Shivsagar. So this is what is it, and this has changed, the transformed the lives of the rural women. So over to you, sir. This is what she could do. Pinky ji, could you please ask her ki matlab ye jo इन्होंने जो बहुत अच्छा जो काम किए महिलाओं को लेके, इसमें अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इनकी जो जो अभी फिनटेक, काफी नए नए फिनटेक आ गया है. मैडम आपको पता होगा, लेकिन यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ फिनटेक्स आर देयर लाइक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. सो आपको लगता है कि ये जो महिलाएं की ये जो बैंक अभी चार शाखाएं आपने ले आए, तो इसको कार्यकारी करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी की कोई मदद हो सकता है, और इससे इनकी जो 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 कार्यकर जो कार्यकर्ताशाला है उससे इनकी मदद हो सकता है और इनकी एफिशिएंसी बढ़ सकता है. আজিকালি বহুত ফাইনেন্সিয়েল টেকনলজিজ আছে, সেইটোৰ মাধ্যমে বেংকৰ কাম কাজৰ কাৰণে সেইটো হেল্প কৰিছে নে নাই, উইমেনৰ বেংকিং প্ৰচেছে হেল্প কৰিছে নাই? কাৰণ বেংকিং যদি হয়, ফাইনেন্সিয়েল যদি সলভেন্সি থাকে, তেতিয়াহলে আমাৰ আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন, আৰু আমি যে কামবিলাক কমিউনিটি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ লগত যে জড়িত আছে, তাতে আমি আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন আমাৰ বাঢ়িব, আমাৰ এক্টিভিটিজ বাঢ়িব. সো ফিনান্সিয়েল টেকনলজি আপুনি ইউজ কৰিছে নাকি বেংকিং চিষ্টেমতে? ডাঙৰ বেংকিং চিষ্টেমৰ লগত জড়িত আছে কি কানেক্টেড আছে টেকনলজিৰ মাধ্যমে? হয়, এই বেংকটো মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লাইচেন্স আছে, আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰিজাৰ্ভ বেংকে চোৱা চিতা কৰে. আৰু আগতে অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগৰ পৰা এইটো চোৱা চিতা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এইটো কমি আহিছে, অকল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আণ্ডাৰলৈ গৈ আছে. खाली क्या आसाम की महिला के लिए सीमित है? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे की हमारे साथ अभी जो बोली मरण से जो जो महिलाएं जुड़े हुए हैं, और लाइक यू नो दे आर द विक्टिम ऑफ यू नो द डिस्टरबेंस, द सोशल डिस्टरबेंस थ्रू व्हिच दे हैव गॉन, एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रियली इंप्रूव्ड देयर यू नो सिचुएशंस. नाउ दिस द इकोनॉमिक यू नो द इंडिपेंडेंस थ्रू दिस द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू दिस सिस्टम्स, सो कैन दे बी अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ अ बैंक, और इज इट लिमिटेड ओनली टू दिस वुमेन ऑफ असम? মেঘালয়ৰ মহিলা গ্ৰুপ আছিলে, কমিউনিটি গ্ৰুপ আছিলে, তাহাঁতে যদি ইয়াৰ লগত যোগদান কৰিব বিচাৰে বা ঝাৰখণ্ডৰ বিচাৰে, তো এইটোৰ লগত জড়িত হব পাৰে নে নাই, এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব নে নাই, না এইটো অকল অসমৰ কাৰণে? এইটো আচলতে আমি অসমৰ অকল যোৰহাট জিলাৰ কাৰণে পাইছিলো, আৰু তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভ বেংকক ৰিকুৱেষ্ট কৰাত আমাক এডজইনিং দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলে, গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ. গতিকে তাৰ পৰা আমি যদি আৰু আগলৈ যাবলগীয়া হয়, আমাৰতো এতিয়া বৰ্তমান এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে আছে, তাৰপিছত ষ্টেট লেভেলত যাব পাৰিম, আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰ ষ্টেট লেভেলত আমি যাব পাৰিম. গতিকে সেইটো আমি চেষ্টাটো থাকিব, কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে যে আমাৰ 100 কোটি ডিপজিট হোৱাৰ পিছত আমি অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাবৰ কাৰণে আমাক হেৰি লাগিব, পাৰ্মিশ্যন দিব.
গতিকে এই যিখিনি কাস্টমার যেনেকুৱা ধৰণৰ কাস্টমার আমাৰ আছে, আমি 100 কোটি ডিপোজিট কৰিবলৈও আমাক সময় লাগিব, আৰু সেইখিনি যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে আমি আমাৰ প্ৰথমতে অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তাৰপিছত আমি অন্য আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নৰ্থ ইষ্টৰ যি হেৰি আছে আমি সেইখিনি পৰিসীমালৈকে আমি যাব পাৰিম। কিন্তু বৰ্তমান আমাক সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক বহুতখিনি ফাইনেন্সিয়েল আমাক ষ্ট্ৰেংথ লাগিব, আৰু যিহেতু এইটো অতি মহিলাৰ सीमित है क्योंकि रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार उनका जो लिमिटेशन है कि 100 करोड़ जब तक नहीं होगा तब तक वो असम में बाकी राज्य बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी 22 डिस्ट्रिक्ट में भी वो नहीं अभी पहुंच पाए हैं, तो वो इनका एक लिमिटेशन हाँ। है और उसी के अगर मतलब 100 करोड़ जब तक नहीं होगा बैंक के उसमें तब तक वो असम के अंदर नहीं जा पाएंगे और बाहर फिर बाद में वो अन्य स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए अभी समय लगेगा। तो ये एक इनका चैलेंज है क्योंकि सारी महिलाएं कस्टमर्स है और सारी रूरल एरिया से है, तो उनका पूंजी के हिसाब से उनके रेवेन्यू कम है। মানে কাস্টমাৰ যে গোটেইখিনি মহিলাই হব তেনেকুৱা নহয়, কাস্টমাৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ে হব পাৰে। মানে বেংকিং যিটো কমাৰ্চিয়েল বেংকিং সেইটো সকলোৰে কাৰণে, খালি যিটো আমাৰ লেণ্ডিং হব আৰু যিটো মানে শ্বেয়াৰ হব সেইটো অকল মহিলাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব। ओके सो सो बेसिकली व्हाट लाइक यू नो मैडम बरुआ को जो कहना है कि ये खाली महिलाएं इनके कस्टमर होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो जो इनका जो शेयर होल्डर्स है वो महिलाएं होंगे, क्योंकि इसमें कस्टमर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर महिलाएं होंगे। तो मैडम बरुआ आपकी बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर बीइंग विद अस बिकॉज दिस गिव्स अस अनदर डायमेंशंस ऑफ द you know the empowerment of the women at the field, like probably like this we can look and converge with our WTP model, woman technology path, because the time has come that we shouldn't divide it in like this is science, this is art, this is commerce, because at the field, on the field, it doesn't matter for a you know like the woman from the Bolemaran whether it comes from the Department of Science and Technology or Reserve Bank of India, it is their life and livelihood, and I think this technique should give that directions. The time has come that the knowledge boundaries and the boundary from the sectors should go away, and we should look the community as the main target, and that will be the Atmanirbhar Bharat's you know the focus here. So in order to bring that, like, you know, as you have heard about that the role of the commercial you know empowerment, ऐसे हमारे जो अभी जो पहले जो दो सत्र से हमने सुने हुए है कि जो मिट्टी की सौगंध, मिट्टी से हमें जो मिला है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्या सशक्तिकरण हुआ है, तो हम ये अभी इसमें जो इस सेशंस में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो बहुत फोकस वे में हम डिस्कस करेंगे, और हमें पहले जो महाराज और स्वामी भविष्यानंद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि स्वामी भविष्यानंद जी सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम जो मुराबादी रांची में की सेक्रेटरी है और बहुत दिनों से कम्युनिटी से बात करते रहते काम करते रहते महाराज, एक साइड में आपका जो हमें पता है कि रामकृष्ण मिशन इज आल्सो अ यूनिवर्सिटी, इज बेसिकली यू आर आल्सो वर्किंग विद द नॉलेज एंड द अदर वे लाइक यू आर वर्किंग विद द कम्युनिटी आल्सो, तो आपके विचार में जो हमारे जो फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम है इसको कैसे जो इनोवेशंस जो जो नवाचार जो गांव की और खेतों में जो होता है जो कृषकों में जो होता है, क्योंकि अभी हमारे जो जरूरत है कि इट इज नॉट फ्रॉम लैब टू लैंड, अभी हमारे जरूरत है लैंड टू लैब, और इसी प्रोसेस को करने के लिए आपने हमें दिखाया कि कैसे बालिया बेगिया जी एक एग्जाम्पल है, हमने इससे पहले देखा कि विवेकानंद मधु उत्पादक स्वावलंबी सहकारिता समिति है, लेकिन फॉर्मल सिस्टम को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, आपके विचार।
नमस्कार डॉक्टर दत्त नमस्कार मैडम नमस्कार ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट मैं सबको रामकृष्ण मिशन आश्रम तरफ से हार्दिक झारखंडी जोहार करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग का जो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन 1927 से ये इलाका में सेवा दे रहा है। तो हम लोग एक तो जैसे झारखंड में मालूम है बहुत पानी बहुत होता है, क्योंकि सब पानी बहा के चला जाता है, साथ ही मिट्टी का ऊपर का मिट्टी भी चला जाता है, जिसके लिए क्या मिट्टी का उपजाऊ बहुत कम है और साथ साथ पानी का लेवल भी बहुत मिट्टी का बहुत नीचा है, तो बहुत बड़ा समस्या, जिसलिए किसान लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसमें मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाना है और पानी को रोकना है, इसलिए हम लोग का टेक्नोलॉजी मेहरबंदी और होते जमीन समतलीकरण, साथ जो पान जो काउ सेट में जो पान जो मैंने काउ यूरिन होता है वो उपयोग नहीं करते थे। इसलिए हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिकली झारखंड में सात पास बारह जैविक गांव बनाया और झारखंड का फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक विलेज हम लोग डेवलप किया है। वहाँ पे भी देखा जो गांव का जो गौमूत्र होता है जो वो हम लोग छोटा सा टेक्नोलॉजी अडोप किया, जहाँ पे जस्ट काउ फ्लो को पक्का कर दिए, काउ फ्लो पक्का करके वहाँ पे जो काउरिन है वो काउरिन कलेक्शन करके सिंपली काउरिन 10% स्प्रे करने से उसका मैंने रिपेलेंट एक्शन है और उसमें यूरिया भी है, जिसके लिए उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है और कीड़ा भी भाग जाता है। साथ साथ गांव में देखा घाटो क्लोरोडेंडन विस्कोसम, तो घाटो पत्ता के गांव वाले में किसी को घाव होने से गर्म पानी में उबाल के वो लोग धोते थे, वहां से गाँव वालों से सीख के हम लोग उसको भी क्लोरोडेंडन जो घाटो है नीम है आदि जो पत्ता है उसको भी उबाल के हम 200 पर्णी एक तो बोटानिकल पेस्टिसाइड बनाया, जो कीड़ा को मारने के लिए कीड़ा को भगाने के लिए ये बहुत मदद करता है। ऐसा करके हम लोग कोशिश करें 12 गांव जो है मैंने एक तो एक ही रूट में ऑर्गेनिक रूट हम लोग बता रहा है, ऑर्गेनिक रूट हम लोग डेवलप कर रहा है। हम लोग का ऑब्जेक्ट मैंने गोल है कम से कम 2 ट्रक सब्जी ऑर्गेनिक सब्जी बनाना है, उत्पादन करना है। हम लोग का जो एक्सपोर्टर जमशेदपुर में है आई तो सिंगापुर में है, दोनों के साथ बात भी हुआ, वो लोग बताए डबल अगर 2 टन एक साथ में 2 गाड़ी एक साथ में होगा तो लोग लार्ज स्केल में लेंगे, प्राइस भी डबल देंगे। इसी हिसाब से हम लोग अभी कार्य से विवेक जैविक कृषि समूह एक तो बनाया हम लोग, वो अभी फेरी प्रिलिमिनरी फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग सब टेक्नोलॉजी गांव में जो नवाचार जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटी में लाके वहाँ पे वैलिडेशन की है, वैलिडेशन करके उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको डॉक्यूमेंट किए, डॉक्यूमेंट जो किए डॉक्यूमेंट करने के बाद हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल किए, ट्रायल करने के बाद जो रिजल्ट है उसको आधार पर हम लो कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी पैकेज हम लोग को डेवलप किए, कम खर्च में जैविक खेती ये तो किताब भी हम लोग बनाया, बुकलेट भी बनाया, आई तो विवेक जैविक कृषि एक तो ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर उसमें अवेलेबल है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है और साथ ही साथ हम लोग उसमें 5-6 वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो भी है लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रिपरेशन करने के लिए। अभी हम लोग तो आई तो वीडियो भी पूरा टेक्नोलॉजी का एक तो वीडियोग्राफी का है जो ट्रेनिंग के लिए वो अभी अब जस्ट प्रोसेस में हम लोग है। तो जो हम लोग पहले भी सेतु प्रोग्राम में सजेशन दिया था फिर मैं दोबारा करना चाहता हूँ, जैसे आप अच्छे से पूछे हैं जो लैंड टू लैब में कैसे जा सकते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में हम लोग जरा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क और जो PhD होता है तो वहाँ पे भी हम लोग गाँव का जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर उसके उन लोग को टॉपिक किसान देते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हम लोग फिर गाँव में थ्रू द डिफरेंट हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र है, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट ICR DDG ऑफ ICR वो दे ऑल्सो अप्रूव द आवर ऑल द स्कीम्स एंड गिवन द रिटन ऑर्डर टू द KVKs टू यूज द डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ आर यूनिवर्सिटी एज ए देर OFT ऑन फार्म ट्रायल एज वेल FLD फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशन। सो फ्रॉम दिस ईयर देयर आर फ्यू मंथ्स बैक ऑन वी हैव गॉट द ऑर्डर, so from this from the coming day after tomorrow we are having a convergence meeting with the Krishi Vigyan Kendra at the university, so we shall decide the different technology and according to shall allot the project and dissertation to the students, so that whatever problems we have identified in the field level from land to lab it will come to our university, a university it will the research will be done or the findings will be there, that again will go from land to lab to land, the land to lab and again we'll go back to lab to land. This so this is the
actually whatever the low cost organic farming technology we have developed, all the technology developed practically in this way only since 2006 when our university has been started. And also the Samiji's idea, Sami Vedanti told the new university will come up combining the traditional wisdom with the modern science and technology. इसलिए हम लोग देखते हैं 400 BC किसी पराशर दे देखते हैं जब मेंशन इज दैट फेट ऑफ ए फार्मर डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल. जो माइक्रोबियल सॉइल हेल्थ बायोलॉजिकल सॉइल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 में नेशनल पॉलिसी में लाया है. हम लोग 400 BC में हम लोग का ऋषि लोग पहले बताया. ऐसे कश्यपीय कृषि सुक्ति कृषि आयुर्वेद 600 AD 1100 AD में विश्व आयुर्वेद आदि में किताब में भी हम लोग पंचगोप आदि देखते हैं. वहाँ पे जो रिकमेंडेशन है प्रैक्टिस है सेम वे में हम लोग साइंटिफिक वे में जो वैलिडेट किए साइंटिफिक वे डॉक्यूमेंट किए एंड साइंटिफिक वे मल्टी लोकेशन ट्रायल किए ट्रायल कर उसका आधार पर पैकेज डेवलप किए जो कम खर्च में जैविक खेती हम लोग का. अभी झारखंड हम लोग जो फार्म जो है पूरा जैविक फार्म है एवं हम लोग देखे इसी बार भी जो केमिकल फार्मिंग में जो यील्ड होता है हम लोग उससे ज्यादा यील्ड आए. 110 से 15 दिन का वैरायटी में 24.75 क्विंटल पर एकड़ इस बार यील्ड है. एंड आल्सो हैप्पी टू नो दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिसेंटली हैज अनाउंस्ड द नेचुरल फार्मिंग एज ए नेशनल पॉलिसी. सो प्रैक्टिस व्हिच हैव बीन सेम थिंग व्हाट एवर वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग वी मेंशन द विश्व द नेम ऑफ द किताब कश्यप कृषि शक्ति एंड कृषि पराशर. सो ऑलरेडी वी हैव परचेज्ड ऑल द बुक्स एंड द बेसिस ऑफ द बुक्स वी हैव from 2006 we have been doing the experiment and national policy earlier national NASC ICR ka complex mein 2002 saal pehle government of india to workshop convene kiye the hum log bhi bulaye the the concluding session mein honorable prime minister jo aaye the usko baad hi parampragat kisi tha unka jo bharat mein chalu hua 3 saal pehle. Ab recently hum ahmedabad mein hum log ko bulaye the जहाँ पे गुजरात का गवर्नर भी आए थे वहाँ पे भी नेचुरल फार्मिंग का डिस्कशन हुआ. बात में आधार पर ही हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस भी किया है. इसलिए हम लोग जो क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का आइडिया है जो ट्रेडिशनल विजडम इज बी कम्बाइंड विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मीन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल. जब तक कुत्ता भी भूखा रहेगा तब तक खिलाना ही हमारा धर्म होगा. तो ये आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं. हम जो जो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप हुआ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झारखंड गवर्नमेंट भी जो ओफास है ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड जिसका मतलब झारखंड में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो रहा है उसमें भी हम लोग का एडवाइजरी कमिटी में गवर्निंग बॉडी में रखा है जिसका मतलब पूरा झारखंड में भी हम लोग का टेक्नोलॉजी झारखंड के साथ साथ बाकी भी दूसरा स्टेट में भी हो रहा है. जितना हम लोग ऑर्गेनिक यहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबका स्टूडेंट लोग साइंटिस्ट लोग सब रेगुलरली हम लोग के आते रहता है विजिट भी करते जिसमें टेक्नोलॉजी पूरा भारत में धीरे धीरे डिसिमिनेशन हो रहा है. तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज. देखिए आपने जो बताया कि ये जो जो विज्ञान और समाज के बीच जो सेतु इसमें जो जो समाज के जो नवाचार आप उसी से शुरुआत किए. तो समाज में जो जो नवाचार ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो रीति उसी को आपने लैबोरेटरी में ले आया लैबोरेटरी वैलिडेशन के साथ उनकी जो विज्ञान की भाषा से उनकी परख किया गया और उसको फिर कम्युनिटी के पास उसकी उन्नति के बाद वापिस किया गया. तो ये एक मॉडल के तौर जो निकल के आया है उसी के आधार पे माननीय प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी सिस्टम जो बीच वाला है तो इसको सशक्त करता है ये तो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम. ये जो एक बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल बताया. नाउ आई विल आस्क डॉक्टर पराग एम सोलंकी. डॉक्टर सोलंकी यू कम फ्रॉम द CSIR CGCRI but you have worked extensively with the community and really like you know changed the life of the community and we have seen jaise ki hamare pankaj bhai ne bataya ki pehle jaise prajapati log kaam karte the uske baad abhi kya badal aaya aur ye badlav khali product level pe aaya nahi ye badlav aaya hai unki parivar jeevan mein aaya unki samaj mein unki jo jo samman us level pe aaya.
So, Dr. Solanki, that my question is, like, you know, while you, like, you know, because you come from a formal innovation system, and you have seen that there is an innovations already existing in the you know, the Prajapati community. So how you have mixed this two, and how this can come as a model for India? Like, you have heard about Swami Bhavishananda ji, unhone bataya ki kaise jo gaon ki jo navachar jo khet pe hote the, unko aise laboratory mein lage unki validations ki baat kaise fir wapis gaya. Aapki kya vichar hai? Kyunki what you are doing, that is another one component of the doubling the farmer income. क्योंकि आप देखेंगे डबलिंग द फार्मर इनकम में बोला गया कि एग्रीकल्चर सिस्टम की एक लिमिटेशन है, वो कुछ हद तक दे सकते हैं उनके फार्मर की इनकम डबल करना है तो जो नॉन फार्मिंग जो सिस्टम है गांव में उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की माध्यम से. इसमें आपकी सुझाव क्या चैलेंजेस है और क्या हम इसको कैसे आगे ले जा सकते, खाली डीएसटी और सीएसआईआर नहीं, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो विचार है, ये पूरे देश के सामने आप कैसे ला सकते हैं और कैसे हम एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं जो कि शायद हम सारे विश्व को सिखा सकते हैं और वो ही हमारे विश्व गुरु होने का एक रास्ता दिखा सकते हैं. डॉक्टर सुला. थैंक यू दत्ता साहब, एंड नमस्कार टू ऑल द पैनलिस्ट. सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स एंड जो चेंज मेकर जो आज हमारे साथ थे, उन सबके बिहाफ पे आई वॉन्ट टू थैंक दिस टेक न्यू @75 टीम टू डिवाइस सच ए वंडरफुल प्रोग्राम, एंड नॉट ओनली डिवाइस बट मेकिंग इट इम्प्लीमेंट ऑल्सो. एंड दे फील दैट देर इज अ समवन हु इज देयर टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, एंड देर इज समवन हु इज एबल टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड समवन हु इज ट्राइंग टू सॉल्व देयर यू नो गैप्स इन बिटवीन. सो दे आर वेरी हैप्पी. And on behalf of them, I am thanking you. I am congratulating you. अब जैसे आपने सोलांकी जी, उनको ये भी आप बता देना, हम भी उनसे सीखने के लिए तरस रहा है. ये टेक्निक खाली हम उनको सशक्तिकरण नहीं किए, हम उनकी उनसे भी सीख रहे, क्योंकि सीखना दो साइड से होता है, एक साइड से होता नहीं है. और जब तक ना हमारा फॉर्मल सिस्टम उनसे सीखेंगे, हम भारत की जो मॉडल हम नहीं निकल पाएंगे. खाली हम बाहर की नॉलेज लाके फिर उनको सिखाएंगे, वो भी हम जैसे बन जाएगा. हमें तो उनसे सीखना है, तो ये भी हम भी उनसे सीख रहे हैं, और हम भी वी फील लाइक यू नो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट देम, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग अस. सो हमारे ओर से भी उनको थैंक यू बता दीजिए. करेक्ट. सो आई ऑलरेडी आई विल कम्युनिकेट दिस वंस अगेन टू देम, एंड इट इज वेरी हंबल ऑफ यू सर, आई मस्ट से. एंड अभी जैसा आपने बताया कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, और बीइंग इवन इन द फील्ड ऑफ अ फॉर्मल साइंटिफिक एक्टिविटी, हाउ आई हैव यू नो बीन एबल टू इंटरेक्ट विद दिस पीपल एंड बीन एबल टू यू नो मेक सम चेंज इन देयर लाइफ. सो एक्चुअली आवर सेंटर इज अ स्मॉल सेंटर ऑफ सीएसआईआर सीजीसीआरआई, एंड वी आर लोकेटेड एट नरोडा. So it is an extension center. So you may be aware that in CSR system, these type of extension centers are for some specific purpose. So in Gujarat, Morbi, we have a cluster of ceramic industries. And for the benefit of those ceramic and allied industries, our center is working. And we have basically three verticals, I mean area of activities. So in which one activity is we provide them state-of-art testing facility, analysis facility, certification. Second is we conduct R&D programs for technical problem solving. And third mandate is our human resource development through imparting various trainings. So I feel that we are lucky that we have direct contact with these industries, and we could understand what exactly the ceramic industries they are practicing. For example, sleeve casting is not a new thing, or you know, some types of, let's say, jigger jolly and other things are not new for ceramic industry. But at the same time, the government of Gujarat is also supporting us. And there is an institution called GMKRTI, Gujarat Matikam Kalakarigari Institute, Gandhinagar. So we have interactions with them, and they said that Prajapati community, to whom they are catering, and they are having some problems. So we discuss it, and we propose them that we could do these type of activities. We could introduce this technology
to Prajapati community, and they supported us. GMKRTI supported us, and that's how we devised a program called Integrated Pottery Development Project. So that was IPDP, popularly known. And in this program, we got opportunity to travel to all the 32 districts of the Gujarat. And we went there, we met, we went to the village of, let's say, more than 925 villages, and we met more than 3,800 families, wherein we understood what exactly they are doing. And what we have done, those things are, I mean, described. I will not take much time, but what I want to tell is whatever experience we have got, from that I want to give some input, I want to share my input so that it may be helpful for future roadmap and devising some model. So what I feel is, when any industry or any economic activity which is based on natural resources, then in that case our first step should be to scientifically, thoroughly understand the activity and second thing is validate it. I mean, we should scientifically see whether they are doing is correct, or some improvement is required, some gaps is there, or how to identify those gaps and how to address those gaps. And then once we come with some kind of a technological solution, then for formal educated people or industry people, it is very easy. We can translate, we can showcase them some benefits, and they can adopt it straight away. But to village people, when we go and teach them, so at that time it is sometimes a change. It is a management of a change. So we have to step by step we need to approach them. So first, what we did is we went to the villages, we sensitized them, and then we demonstrated them these things. So in 5 days programs, we went to the villages with our sleep and our molds, and we demonstrated them that this thing is possible. So once they see with their eyes at their own place that this thing is happening, then they got motivated and they came to our center for further training for 10 days, wherein we introduced them to different types of machines and different types of production techniques. So there they have a first-hand experience. And later on, we had advanced level programs in which it is a 15 days training program, and now it will be 20 days training program. So in that training programs, we introduced them, you can say from top to bottom sort of activities are covered. Because ultimately what we want is them to become self-sustained, and it should not be like today. If I say that one bottle is having good market, so they should make bottle, and then after 5 days, after 5 years, 10 years, suppose every product has a life cycle, right? So we educate them that they themselves should come out with new products, new ideas, so that they should understand what is requirement in the market, okay, and what is the new technologies coming in the market. So we educate them. We have introduced a model training module in which we teach them about soft skills, and we teach them about some kind of a basic calculations, and their they should understand the economy of their activity, and latest to this marketing tools. Like nowadays there is a more than 40 marketplaces are there, e-marketplaces. So how to connect to the world through these marketplaces. So those all things exposure we are giving to them. And once this problems and everything is identified, then training part is very essential to any community. Actually, I am talking about. डॉक्टर सोलंकी, इस मोमेंट में आई जस्ट वांट टू ब्रिंग एक पॉइंट, क्योंकि आप ये जो आप जो देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मल सिस्टम इनके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन आप प्रजापति संप्रदाय को देखेंगे, हम और आप जाने से बहुत पहले से ये लोग अपने ये जो व्यवसाय में जो थे, तो उसमें भी ये लोग क्या करते थे, हाँ शायद उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी वो खुद ने
खुद की नवाचार से, आपको याद होगा ये जो उससे जो जो बना जाता था व्हील से जो बनते थे, वो खुद ही इनोवेट करते थे अपने हिसाब से, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आप देखेंगे 100 साल की इनकी दादा परदादाएं की कहानी, उसमें भी इनोवेशन हुआ है क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके हिसाब से कि कैसे एक मार्केट को लिया जाता है। हो सकता है कि वो मार्केट की परिधि बहुत बड़ा नहीं था, गांव दो गांव चार गांव की परिधि में था। तो ये हमारे जो अभी सपोज नाउ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स विद एक साइड तो है जो टेक्नोलॉजी, जो कि यू नो अमित भाई ने पहले भी बताया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वो जो क्योंकि ये इन्होंने लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जो लाइवलीहुड सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उसी सिस्टम को आपने इंप्रूव करने की कोशिश किया, इसलिए लिया। अभी उनका एक मार्केटिंग मार्केट समझने का एक तरीका था, क्योंकि हमें उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। और हमें जो टेक्नोलॉजी अभी जो नया आ रहे, आपको क्या लगता है कि ये जो इसके साथ हमारे एक अलाइनमेंट रहे उसकी इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, और एक मतलब पूरी नए सिस्टम लाने से उनकी इंपैक्ट ज्यादा रहेगा? ये जो उनकी एक्टिविटीज जो है वो आपने सही बताया कि इनकी एक्टिविटीज में ही स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके उनको ग्रेजुअली एक लेवल पे लाना चाहिए। जो ड्रास्टिक चेंज है तो दैट ड्रास्टिक चेंज कभी भी वो फुल्ली इम्प्लीमेंट या वो दिक्कत रहती है। तो वो अप्रोच तो आप सही बता रहे हैं कि उनको ग्रेजुअली उनको उसमें लाना चाहिए। और ये लोग जो है आपने जैसे बताया प्रजापति समाज पहले से ही ये काम तो करते ही है, और उसमें से हमने जो स्टडी किया उसमें से ये पाया कि ह्यूमन ड्रजरी है और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, तो और वो साइंटिफिकली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हमने ये अप्रोच रख के उनको डेमोस्ट्रेट किया। और फिर ये सब बातें हमारा कहना ये था कि सेल्फ सस्टेनेबल अगर कोई सिस्टम रहे, एक बार आपने कुछ इनपुट दिया, इंटरवेंशन प्रोवाइड किया, कुछ आपने ट्रिगर दिया है कम्युनिटी में, तो वो ट्रिगर के बाद वो कम्युनिटी शुड बी एबल टू हैव यू नो सेल्फ सस्टेन्ड थिंग विद देम। इट शुड नॉट बी लाइक एवरी 4 years, 5 years दे शुड अगेन कम टू द यू नो सेंटर और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर अगेन सम काइंड ऑफ अ न्यू इनपुट। दैट इज पॉसिबल, बट वॉट वी शुड लुक इन टू इज सेल्फ सस्टेनेबल। एंड हियर जैसे कि ये हमारा यही एफर्ट है कि उनको जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस से जो हम लोग उनको अवगत करवाते हैं उससे ये होता है कि प्रोडक्ट्स वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया, वी आर ऑल्सो अमेज टू सी व्हेन दिस कम्युनिटी पीपल दे केम हियर, यू नो उन लोगों ने जैसे कि ये रुद्राक्ष की एक माला जैसी अभी बनती है, रुद्राक्ष जो है वेरी होली थिंग राइट, तो इन्होंने ये रुद्राक्ष की माला खुद बनाई है, मिट्टी से बनी हुई है। अगर हमने ये पहन के कहीं गए हैं हाथ में पहन के एज ए बेल्ट या कुछ भी, तो नो वन विल बी एबल टू मेक इट आउट कि ये मिट्टी से बनी हुई है, असली रुद्राक्ष नहीं है। तो नाउ ये जो है इस तरह से वो लोग खुद ही अपनी प्रोडक्ट सोच रहे हैं, जैसे कि ये जो टेम्पल में जो हम बेल बजाते हैं तो वो भी मिट्टी का उन्होंने डिवाइस किया हुआ है। अभी एक मैडम जो थे उन्होंने यही नभाचार है, यही उनकी नभाचार है जिनको हम स्ट्रेंथन कर सकता है। यस यस, हमने उनको मेथड बता दिया कि आप ये बना सकते हैं, जैसे कि ये अभी है एक, तो ये जो विंड चाइम की तौर भी काम कर सकता है, ये टेम्पल में भी काम कर सकता है। एक मैडम जो है उन्होंने जो फाउंटेन्स होते हैं जैसे उसमें कुछ पीसीस जो कुछ बॉटल्स कुछ ये लगा के, कुछ प्लेट्स ये लगा के उन्होंने नीचे एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया मोटर जैसा, और उसमें से उन्होंने एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कि जो फाउंटेन हो गया है। अभी वो फाउंटेन जो है उसका रेंज आप 1000 से लेके 30,000 की रेंज में वो बिक सकता है, उस तरीके का उन्होंने ये इनोवेशन। तो हमारा कहना मतलब ये कि सेल्फ सस्टेन मॉडल डेवलप होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लाइक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास से, आप है हम जैसे एक फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम की रिप्रेजेंटेटिव, आपने यू नो ग्रास रूट कहिए इनफॉर्मल इनोवेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया है, हमें क्या सीखना है उनसे, व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम? हमें यही सीखना है कि ये एक्चुअली साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की ओर से
कोई फॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए जहां पे इंटरडिसिप्लिनरी जो भी आउटपुट है, जैसे कि कोई एक फील्ड में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दैट फील्ड ओनली. इट मस्ट बी हैविंग एंड इट इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन अदर सेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि ये सिरामिक सेक्टर की टेक्नोलॉजी है तो हम लोगों ने वो मिट्टी काम करने के लिए जो है उनको भी दे दिया है. तो उस हिसाब से एज अ साइंटिस्ट, एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ चेंज मेकर, वी शुड थिंक दैट व्हाट आर अदर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन अदर सेक्टर्स, एंड अदर सेक्टर्स दे मस्ट बी डूइंग सम वंडरफुल यू नो आउटपुट. तो ये जो है उसमें से छोटा मोटा कोई चेंज करके दूसरा कोई सेक्टर है उसमें उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए. तो ये जो चीज है वो हम लोगों को देखना चाहिए एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में बैठ के, सो दैट यू नो एक टेक्नोलॉजी का भी आप हम सब समझते कि लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल एक सेक्टर में खत्म हुआ तो वो टेक्नोलॉजी दूसरी लाइफ साइकिल में दूसरे सेक्टर में चल सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी. आपको जो कम्युनिटी के साथ काम करने के जो एक्सपीरियंस है उससे हमने जो देखा, आपने जो कहा, मैं ढूंढ रहा था कि जो नए हमारे मॉडल है इसमें क्या इनपुट मिल सकता है. आपने एक बात बहुत अच्छा बोला कि एक जो थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिस थ्रेशोल्ड के बाद कम्युनिटी खुद ही इनोवेट करते रहे, उसको सस्टेन करते रहे, वही आत्मविश्वास, वही आत्मनिर्भर भारत की वही मॉडल होगा. एंड दिस इज आई थिंक प्रोबेबली अ न्यू मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द social entrepreneurship, social enterprise we need to develop. And this is a very good, you know, the input ki oh threshold, different community, different jaise agriculture mein kahiye aur inhone jo hastshilpi hai aur jo dusra shilpo ke liye shayad kya hona chahiye ka aur alag alag jagah mein, kyunki गुजरात में एक अलग होगा क्योंकि गुजरात में आप देखेंगे जो बाहर और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो सपोर्टिव है. इसी को लेके आप जब जाएंगे, शायद आप राजस्थान में जाएंगे तो उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग होगा. प्रोबेबली ये हम निकाल के लाए तो ये एक मॉडल की तौर पे निकल के आएगा. दूसरा, आपने बताया कि हमें देखना पड़ेगा जो जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर रहे हैं उसकी जो हॉरिजॉन्टल दूसरे सेक्टर्स में उसके क्या उपयोग हो सकता है. जैसे कि हमारे मेडिसिन के केस में देखा जाता है कि एक मेडिसिन दूसरे एक बीमारी के जगह दूसरे बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है, ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल दूसरी सिस्टम के लिए कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. बहुत 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 धन्यवाद सोलंकी जी, जो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपने ये जो पॉइंट्स आपने जो लाया है हम इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो हम इसके बाद हम चले जाते हैं डॉक्टर सुटिंग के पास. सुटिंग साहब, लाइक यू नो, लाइक ही कम्स फ्रॉम दी Meghalaya S&T Councils, and he is a person who has always worked on the community. He belongs from the you know the government the sectors. Suting sir, where are you? Like, hello sir. Sir, he couldn't return yet. It seems. Hello sir. Good afternoon. Yeah, this is I'm VL Lingdo sir, the KPI project sir. So, because Mr. Suting could not join. Okay. So, Madam Lingdo, like you know, what this roundtable discussions, what we are discussing, you must have seen. Like we are trying to find out a model for India where really the local innovation, like how we can strengthen and the nurture. And you have like from the like we have heard from the. You know, Swami Bhaveshananda ji, like who represents the civil society as well as the knowledge institutions. We have heard from Dr. Sulanki, who comes from the CSIR system but worked with the community to change their, you know, the situations. We have now, like, you know, you basically represents the state government, you know, the S&T councils and the state, and also you work with the community, you know, and you belong to the community. So in this, from this, what will be your suggestions in input in developing you know the indigenous model where we can strengthen and nurture the local innovation? So with respect to this, I think we should identify the local communities based on their interests, the skills, and also the natural resources of the project area where we are working, sir.
so that we can guide them, help them, and nurture them with the SNT interventions. So as you know that through this project, this Balmaram Technology Resource Center, before it was a troublesome area due to insurgency. So what we have seen that this place has a potential for development. We have seen those people there that they live a miserable life and abject poverty. But we are very much thankful to the seed division of DST that it has opened this opportunity for us to initiate this technology resource center where all the training programs can be institutionalized. So what to nurture these communities here, it takes a lot of effort because due to so many barriers. First is the language barrier, then the climate of the area, then transportation. So the team from SCSTE has to take a lot of effort in helping these communities, in nurturing them to get their cooperation, to get their support. So what we have decided first is to address the basic needs of these communities. So from the SNT Council of Meghalaya, we have introduced these appropriate technologies which the council from time to time had propagated, like in the area of housing, water, energy, and value addition and livelihood. Okay, madam, like, you know, one point I just wanted to say, you know, like you have thanked DST, you know, I'm thanking you, but you know, we are all outsiders, and the developmental, the change processes could not have been possible unless and until the community whom we have, you know, like seen their interactions in the first sessions, or then, or Mr. Sangma, whom we have, you know, like heard in the second sessions, would have been there. So what you found, like, you know, like from them, what we need to learn from, what we found that the innovations, like, you know, because you have told that there are a lot of problems, like in terms of the distance, climate, insurgency, but there must be a certain spark, there must be a certain positivity, there must be a certain strength within the community which has accepted this external, you know, the input as an external innovations. What do you find, like, you know, what are those points within the community you find all among these, that those women, like, you know, yesterday we liked when we were doing the dry run, the first thing we liked, their smile, you know, like, yeah. You know, you must be inside, like, all of us are at the end of the day, is the human value, science, technology, and you know, like, these are all external input. So what did you find, like, in the community's point of view, that, like, because Bole Maran is not in, you know, the success story of DST or you know, the Meghalaya Council, it is the real success story of those people. What has made it successful? What has made it, like, what are the reasons for it? Yes, so what we learned from them is that the spirit of participation. So, like, we have seen that whenever we organize, whenever we conducted the programs, those people, I mean, those villagers, the village folks, willingly, they will come to the center and volunteer in any work, in any programs we have, in any activities, they are willing to take part, especially the women folks. We have taken the pictures also that they came with their children because they leave their households, they leave their house, their household course, but they were willing to come to the center. They were taking their children. They have the children at the back. So that is how we learn from them that they have the responsibility to work towards
to bring a change in the community which they belong. So what we learn from them is that they work willingly, voluntarily, and they have that spirit to participate and to help in the community and even to help us also. Okay, I think, thank you very much, Madam Lingdo. Like this point, what the last point you have told, probably, you know, in our, the model for which we are looking forward and what Dr. Solanki gave is that threshold value. So probably these are the factors which decide about the threshold value of that sustainability of this, you know, the technology or the innovations inside the community. The community should have the, you know, acceptance. They must be have the happiness to make these changes where the technology on the work hasn't changed again. And it is all of our job as in stakeholders to find that threshold value, which in the different areas for making this sustainable, the development and sustainable changes at the field level. So I think in their directions, in order to find it from the community's point of view, I would request Mr. Kempfert M. Sangma. I think he will complement or supplement like what you have told. Whether Kempfert Sangma, is he here? Mr. Sangma. Yes, sir. We have tried to connect them, sir, but we could not get them, sir. They lost the connection. Okay. So I think in that case we would have love to listen from them as in strongest stakeholders into this ecosystem of strengthening and the nurturing the local innovations. Like definitely through the council, we will try to reach out to them because we couldn't link during this program. That doesn't mean that it's end of that all. We understand that this is a virtual world, so the connectivity and the geographical distance is also one of the issues. So the last questions will be to all of my this roundtable discussions. You have heard about all of our intentions and the input from all of this. Now, if I go to back to Swami Bhaveshananda ji, Swami ji, after listening to all of this, if we have to develop a model for the Atmanirbharata for Bharat of the local innovations at the local level, you have already told that how to come from the the land, take this to lab and then come back. Do you from listening to others, do you feel like something more should you add into this that model? Okay, what you nicely told also during interaction, then in different field, different areas, different communities, different type of innovation, innovative approaches, innovative skill, are already there. So we have to find it out. So Navachar, jo cheez un log ka, first thing, whatever the Navachar is there, and support according to their need, we have to find out the missing link, and missing link gap area. And that is to, we have to fill it up. That can be filled up through somewhere, sometimes through research work, sometimes through technology, forward and backward linkages, somewhere maybe the marketing is the main factors, somewhere maybe some technical support is required, somewhere is a human resource is required. So according to the need of the area, according to the gap area, we have to identify the actual, assess the actual gap area, the missing link. That setu, how we can build that. Thank you, Bhaveshananda ji. Dr. Solanki, your last word. Dr. Solanki? Yes. जो टेलर मेड सॉल्यूशंस है, जैसा कि स्वामी जी ने भी बताया कि हर एक सेक्टर जो है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड सेक्टर्स है, उन सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना अपना प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स है, तो उन सबके लिए टेलर मेड सॉल्यूशंस ये सब होना चाहिए. और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक आज ही हमारा पैनल में डिस्कशन हो रहा था, यहाँ पे सभी के साथ, कि जैसे
गवर्नमेंट का कभी कभी अप्रोच रहता है, जैसे कि खादी को जो प्रमोट करते हैं, जैसे गांधी जयंती आ गया तो हम उसमें डिस्काउंट और उसको एडवर्टाइजमेंट देके, तो एट दैट टाइम सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू नो विच इज हैंडमेड मे बी और कैसे भी है, तो वो बढ़ जाता है। तो सेम वे में इस तरह के कि हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये मिट्टी की प्रोडक्ट है, दीपावली पे अगर हम लोग ऐसे अपील करें है ना, या फिर कोई डिस्काउंट दे दे, तो ये लोग जो काम करते हैं उनको मोटिवेशन रहेगा और उन लोग ये पर्टिकुलर सीजन, ये पर्टिकुलर डे के लिए वो लोग पूरा अपना लगाएंगे और उसमें से उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें जो है जिसको हम लोग अपने लेवल से या पॉलिसी लेवल पे जो है लीडर्स जो है वो लोग उसको अगर मतलब सपोर्ट करें तो ग्रास रूट लेवल के जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड इट इज आल्सो लर्निंग फेज फॉर मी, सो आई आल्सो लर्न लॉट फ्रॉम को पैनलिस्ट एंड फ्रॉम दिस डिस्कशन। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी आपकी, और जो पंकज भाई की बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो जो प्रजापति कम्युनिटी ग्रुप से जो बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी जो एक्सपीरियंस और सलाह जो हमें दिया है ये बहुत ही मनोरम है, क्योंकि हमने मैं तो अभी देख रहा हूँ कि आज की बात हमें एक एक जो आत्मनिर्भर भारत की जो लोकल लेवल का एक मॉडल हमें निकल के आ रहा है और उसी के काफी सारे जो 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 बिंदुओं और जो पहलू वो निकल के आ रहे हैं। आई थिंक इन दिस डायरेक्शंस आई विल गो टू लास्ट टू मैडम लिंगदो, लाइक दो वी डू नॉट हैव दिस यू नो द द कम्युनिटी लीडर्स फ्रॉम दैट, बट मैडम लिंगदो लाइक यू नो यू बीइंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी यू नो लाइक यू आर आल्सो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी, सो व्हाट विल बी योर लास्ट पॉइंट लाइक यू नो फॉर डेवलपिंग you know our Indian model for of you know the local innovations which will be the core of the India's you know Atmanirbhar Bharat or you know vocal for the local or whatever we say, so like you have already told about that understanding the community, their you know they you know like their strength and then bringing technology, anything more at the end? Yes sir, thank you for that question. So I think we have to strengthen and nurture our communities, like what you have said, as a role model. I think the communities should be well motivated, mobilized, and awareness about the changes that will bring through the application of science and technology. So that is बहुत बढ़िया, लाइक यू नो इसी मैडम के ये जो सजेशन है एक मेरे दिमाग में जो आ रहे, आई थिंक ऑलरेडी डॉक्टर सोलंकी इज देयर एंड पंकज भाई इज देयर, मेरा एक एक प्रश्न है लेकिन पंकज भाई से, क्योंकि डॉक्टर सोलंकी लाइक यू नो जनरली व्हाट वी सपोर्ट इज इन द प्रोजेक्ट मोड, वी सपोर्ट टू द CSIR lab or you know like the knowledge institutions and academia. Do you feel like you know if we support Pankaj Bhai's institutes as a local training institute for the others, the percolations of the innovations to more number of the people will go, because it is very difficult for you to go to the larger number of the people. You can be the you know the training, you can provide the training to Pankaj Bhai. Why can't we have in like you know academy in the Pankaj Bhai case in the place, because he has a place like in itself as a training program, and probably if that's the one part of the model, like probably, and from the DST side, from our societal program, not only DST societal program of DST DBT or CSIR, that is the requirement of the next stage. We should really now go and strengthen Pankaj Bhai's across the nations and the others who are working on the other aspects of the innovations to strengthen that at the, because we have a very good, you know, the model of the National Innovation Foundations, which scouts the innovations from the you know the grassroots. But there is another model like where really we can strengthen Pankaj Bhai as a trainer for the larger number of the community and capacity building there. So iske upar aapki jo vichar hai, aap shayad unke saath vichar karke, you please write it to us. We will try to include that and develop that as a part of our model. Right, sure. So,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हमने करीब 2 बजे से शुरू किया था, हमने शुरू सोचा था 5 बजे होंगे। हमने जब शुरू किया था टेक्नी बट 75 तो लोगों को लगा था कि अब चला पाओगे इतने दिन, लेकिन हमने 75 घंटे के लिए टारगेट रखा था। हर रोज हमने सोचा था कि 3-3 घंटे के प्रोग्राम करेंगे। बहुत लोगों ने पूछा था कि अब चला पाओगे, लेकिन हर दिन जब हमें ये पांचवा दिन है, हम जब खत्म करते लगता है हम जल्दी खत्म कर दिया। अभी बहुत कुछ था जो डिस्कस करना था, हम कर नहीं पाए। तो दैट शोज दैट इन द कनेक्ट ऑफ आवर फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम एट दिस 75 years needs to listen to the requirement of the field. बहुत सारे पंकज भाइयों की कहानी और जो जरूरतों है वो सुनने की हमें जरूरत है। We must listen and learn from Mr. Sangmas or from जो बालिया जी, जो कि जो जिनको पता है कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम है और उनकी क्या सोल्यूशन आ सकता है, और हमारे फॉर्मल सिस्टम उन्हीं के साथ काम करके उनकी जो नवाचार को आगे ले जाना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Today is the last, you know, the sessions of the TechNeev in this year. So, इसलिए आप सभी को Happy New Year, बहुत 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 आप लोगों को धन्यवाद, and Merry Christmas to, नमस्ते, धन्यवाद सबको, झारखंडी जोहार जोहार जोहार।